हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आपके लिए कमाल धमाल वीडियो लाया जो कि आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या अभी दिया है 32 और यहाँ पे 35, फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 126 और यहाँ पे 34 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सम करके देखते हैं। देखो दोस्तों 3 + 2 करेंगे तो कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लेकिन यहाँ पे क्या है 35 है। तो दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें ये पैटर्न यूज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा पैटर्न यूज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का क्यूब लेकर देखते हैं। देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8। जब हम 3 का क्यूब और 8 के क्यूब को दोनों को ऐड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 27 प्लस 8 कितना होता है 35 होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 35 मिला। दोस्तों यही पैटर्न यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 5 का क्यूब क्या होता है 125 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 125 कितना हो जाएगा 126, और यहाँ पे भी 126 ऑलरेडी दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जो यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए हैं इन दोनों नंबर्स का क्यूब ले क्या करना है, ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो जब हम 27 प्लस 64 को ऐड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा 91 मिलेगा, और 91 कौन सी ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 91 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे 2, 3 और ट्रायंगल में 3 दिया है, फिर यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे 10 फिर यहाँ पे 6, 7 यहाँ पे क्वेश्चन मांगते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में कितना दिया है 3 दिया है। तो दोस्तों इसमें क्या करके देखेंगे, जो ट्रायंगल के बाहर नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल में 3 है। दोस्तों यही पैटर्न यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। देखो 4 × 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 × 5 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो ट्रायंगल में 10 ऑलरेडी दिया है। तो दोस्तों यही पैटर्न यूज करके क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर लाएंगे। देखो 6 × 7 क्या होता है, देखो 42 होता है, और 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा 21। तो दोस्तों 21 आपको कौन सी ऑप्शन पे दिख रहा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए 21 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5, 4 फिर यहाँ पे 20 फिर यहाँ पे 9 फिर देखो यहाँ पे 3, 8, 24 यहाँ पे 11 फिर यहाँ पे 9, 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 13 दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 5 और 4 है। तो दोस्तों 20 कब आ सकता है, देखो जब हम इन 5 × 4 करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है 20 है। ओके दोस्तों देखो 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20, और 5 + 4 करेंगे, 5 + 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ओके इसमें क्या, देखो ये जो 5 + 4 ऊपर के डब्बों के जो नंबर्स दिए इसमें 5 × 4 किया तो 20 मिला, और 5 + 4 किया तो यहाँ पे 9 मिला। तो दोस्तों यही पैटर्न यहाँ पे यूज करेंगे, क्या फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। देखो कैसे 3 × 8 कितना होता है 3 × 8 इज इक्वल्स टू कितना होता है 24, और 3 + 8 कितना होता है 3 + 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 24 और 11 है। दोस्तों यही पैटर्न यूज करके क्या करेंगे हम, आंसर लाएंगे। देखो 9 × 4 कितना होता है, तो 9 × 4 = 36 होता है, और यहाँ पे 9 + 4 कितना होता है 13 होता है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे 9 + 4 कितना 13 ऑलरेडी दिया है। तो दोस्तों 36
जो दोस्तों 36 है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 36 आपको कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 36, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड दिया है, इम्पैशनेबल। इम्पैशनेबल एक वर्ड दिया है, और इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ऐसा ऑप्शन में से ऐसा एक ऑप्शन चूज करना है जो कि इस वर्ड से नहीं बनता है। तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए पे क्या है, इम्पैसेबल है। तो दोस्तों इसमें से इम्पैसेबल बनता है क्या, तो देखते देखो इसमें आई भी है, एम भी है, पी ए डबल एस भी है, ए बी एल ई, देखो ए एबल भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे से ऑप्शन नंबर ए जो ये वर्ड है ये बनता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, देखो यहाँ पे इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, इम्पॉसिबल। तो देखो दोस्तों इम्पैशनेबल, इस वर्ड में से इम्पॉसिबल वर्ड अगर बनता है तो ये भी ऑप्शन यूज नहीं होगा। देखो इम्पॉसिबल तो यहाँ पे आई आई एम पी ओ ए बी एल, यानी इस इम्पैशनेबल वर्ड से इम्पॉसिबल भी वर्ड बनता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इम्पैसिव। इम्पैसिव यानी वी। तो दोस्तों इस वर्ड में देखो आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो इस वर्ड में यानी इम्पैशनेबल वर्ड में वी ये वर्ड नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर डी भी है ये इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द ऑपोजिट नंबर ऑफ टू, यानी इस डाइस में जो यहाँ पे टू दिया है, टू इस टू का अपोजिट नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जब भी हम डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब क्या देखते हैं, दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर है वो देखते हैं। देखो तो दोनों और डाइस में कॉमन नंबर क्या है, टू है। तो फर्स्ट हम टू लिख लेंगे यहाँ पे, टू और यहाँ पे टू, ये दोनों टू टू लिख लिया। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो टू के बाद वन और फाइव, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे फाइव, फिर इसमें सिक्स और थ्री, तो यहाँ पे सिक्स और थ्री। तो देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ, वन के अपोजिट में सिक्स हुआ, फाइव के अपोजिट में थ्री हुआ। तो दोस्तों टू के अपोजिट में क्या है, और टू के अपोजिट में ये हमको क्वेश्चन में पूछा है कि टू के अपोजिट में क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें, हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स में जो मिसिंग नंबर होता है वो फाइंड करते हैं। देखो वन दिया है, टू भी दिया है, थ्री लेकिन फाइव और सिक्स, लेकिन कौन सा नंबर मिसिंग लग रहा है, तो फोर। तो दोस्तों टू के अपोजिट में क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का है ना, टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर। तो फोर कौन सी ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फोर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो आई होप दोस्त कि आज का वीडियो बहुत 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 ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि हमारे ऐसे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।